ऐसी बर्फ में लोग जो है वो अपने बाइक्स लेके निकलते हैं, स्कूटी निकलते हैं। सो प्लीज ऐसे मौसम में आप अपनी जो बाइक्स हैं आपकी वो घर पे ही रखें, क्योंकि ये शालीमार में इतनी बर्फ है और हमारे साइड से कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हो। तो बीच रास्ते में ये भाई रुक गए हैं, आई डोंट नो व्हाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वैस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सुबह अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह सुबह के 9 बजे हैं और बहलूल और मैं, क्योंकि आज संडे है, मैं आज देर से उठा और बहलूल भी मेरे साथ आज देर से उठा है। तो बहुत टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, दिस इज बिकॉज मेरे पैर में जो है चोट आ गई थी। तो मतलब ज़्यादा नहीं आई थी बट सीरियस आई थी, आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, ना ही किसी जगह में जा पा रहा था, दैट्स वाई कि व्लॉग शूट मैंने बंद किया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सो अभी बहलूल जो है उसको भी सब खांसी है और इसको पहले स्टीम देते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बैदू बैदू हाय करो, हाय करो, हाय करो, आप सबको बोलो सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइब करो, तो करो, बोलो सब्सक्राइब करो, बाबा को सब्सक्राइब करो, बोलो। हाँ ऐसे ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो, करो जरा मेरे बाल बना, बाल बना मेरे, बना बाल। हाँ सो गाइस अभी मैं निकला हूँ सैलून पे और वहीं से मुझे जाना है और को घर पे एक दो काम है। वैसे मैं परसों से घर पे नहीं था तो आज जाएंगे, थोड़ा काम है वहाँ पे, पहले सैलून पे जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे क्या रहता है दिन भर का प्रोसेस। तो आज जो है वो संडे था तो मैंने सोचा कहीं पे जाएंगे, बट एज यू नो ड्यू टू भारत जोड़ो यात्रा अभी सारा जो है वो बंद ही है, हमारे साइड से भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो दैट्स वाई आज प्लान जो है वो कैंसिल हो चुका है और मेरे पैर में भी लगी हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ठीक होगा और आगे ज़रूर जाएंगे, किसी जगह विज़िट करेंगे। बहुत टाइम हो गया है किसी जगह पे नहीं गए हैं, सो इंशाल्लाह रहमान आप किसी जगह को विज़िट करेंगे। और थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सब्सक्राइब बहुत सारे आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बस जैसा मैंने कहा कि फेसबुक मेरा पेज है ओ एस ऋषि व्लॉग्स के नाम से, उस पर भी प्यार दे दीजिए, उस पर भी ऐसे ही जो है जैसे YouTube पे आप मुझे प्यार दे रहे हो Facebook पे भी दीजिए। अभी सैलून से होके आया हूँ मैं और मैं अभी यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे रुका हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है वो वाइब आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है माशाल्लाह यहाँ का। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द व्यू देन वी टॉक। सो दीज आर द ज़बरवान हिल्स एंड यू कैन सी माशाल्लाह क्या व्यू है, वाओ जस्ट वाओ। और थोड़ी थोड़ी धूप भी है यहाँ से और पूरा जो है सो श्रीनगर सिटी आपको दिखाई दे रहा है। और ये रही मेरी दनो, एक दनो घर पे है, दूसरी दनो ये है वो बाइक है, ये गाड़ी है लेकिन गंदी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो। और कुछ स्क्रैचेस लगे हैं परसों, इसको यहाँ से ठीक कराएंगे आगे इंशाल्लाह। सो पहले आप व्यू देखिए यहाँ से, और वहाँ जो आप वहाँ से मेरा फार्म है, वहाँ से वो ये जो ये पेड़ आप देख रहे हो ना, ये पेड़ इनके पीछे जो है वो मेरा फार्म है, वहीं से ऐसा व्यू हो और इंसान ऐसी जगह पे ना रुके। और मतलब ऐसी जगह पे रुकने का अलग ही एक मज़ा आता है, अलग ही एक वाइब आता है, अलग ही नशा आता है, अलग ही सुकून आता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत जो है वो ज़र्रे ज़र्रे में है और माशाल्लाह आप देख सकते हो। तो मुझे पसंद है इस जगह पे रुकना, मैं मोस्ट टाइम जो हूँ कभी कभी अगर रुकता हूँ किसी जगह तो मैं इसी जगह पे हूँ जो वो ज़्यादा रुकता हूँ मैं। तो आप मेरे पीछे जो देख सकते हो पहाड़ वगैरह, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और माशाल्लाह अब ये बाहर जब आता है, जब बाहर आता है तो बाहर में आप मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कितना रश होता है और कितना मज़ा आता है यहाँ से। तो अभी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, आपसे बाद में मिलते हैं। अभी टाइम आया है यहाँ से निकलने का, तो अभी
घर तक जाते हैं। क्यों लाओ घर पहुंचा मैं। घोड़ा चलो चलो घोड़ा 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 अभी मैं घर से अभी निकला हूँ। एक मिनट पहले गाड़ी जो है स्टार्ट कर देते हैं। अभी घर से निकला हूँ तो अभी थोड़ा काम से जाना है एक जगह, और एक मिनट पहले गाड़ी जो है साइड में लेता हूँ। पीछे मिनहज भाई की गाड़ी आ रही है, पहले मुझे छोड़ेगा शायद। सो मैं क्या कह रहा था आपसे कि एक काम है, और YouTube के बारे में आपसे एक बात शेयर करनी थी कि वो ये है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। और अभी सब्सक्राइबर्स रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, अभी अच्छे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे अभी तो। बस अभी मोनेटाइजेशन के लिए बस एक रिक्वायरमेंट थोड़ी सी रह गई है, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मोनेटाइजेशन हो जाएगी। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही वीडियोस को लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह रहमान जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो बनाऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा, आप तक बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा जो आज तक किसी ने ना लाया हो, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि अल्लाह के मर्ज़ी के सिवा, अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मेरे तक जो है वो काम करना है, उसके बाद जो फल है वो अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह रहमान। ज़रूर आप मतलब इस ईयर में बहुत सारे प्लान्स मैंने सोच रखे हैं, तो इंशाल्लाह वो इस ईयर में ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। तो अभी चलते हैं। तो गाइज अगर आप अभी देखोगे तो बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है हमारी साइड से भी। अब ऊपर जो है वो बर्फ़ है, ऊपर जो है वो बर्फ़ है। अब तकरीबन अब आपको बर्फ़ कहीं नहीं दिखाई देगी यहाँ से। और यहाँ से मेरा फार्म है इस एरिया में, आपने पिछली वीडियो में दिखा होगा, फार्म से है जो है वो बर्फ़ थी थोड़ी, तो अभी बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। बर्फ़ अब इंशाल्लाह रहमान मार्च से जो है वो हम एक अलग एक अच्छी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं, व्लॉग में बने रहें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। और यहाँ देखिए कितने भाई जो है वो गाड़ियाँ धोने आए हैं। और आपको पता है कि मार्च से यहाँ पर आप भीड़ देखोगे, क्योंकि यहाँ से जो है वो स्ट्रीम्स बहते हैं मार्च अप्रैल फरवरी, और अभी फरवरी आने वाला है, और इंशाल्लाह आप देखोगे यहाँ से जो है वो स्ट्रीम्स बहने लगेंगे इंशाल्लाह। वो व्यूज में भी आपको दिखाऊंगा, वो व्यू में भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है उनका भी, और कैसे वो स्ट्रीम्स बहते हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं। अभी बहलूल को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, तो अभी बहलूल खुद ड्राइव करेगा क्योंकि इसको मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है। अब बोल रहा है कि मैं खुद ड्राइव करूंगा। आप खुद ड्राइव करोगे? हाँ, ये खुद ड्राइव करेगा। इसने मुझे बोला है कि आप ड्राइव मत करें, मैं खुद ड्राइव करूंगा। तो चलो चलो फिर, जरा हॉर्न करो, ये ऐसे, हाँ बस अब चलो। अभी बहलूल की नोज मैंने देखी गंदी थी, सो अब बहलूल की नोज साफ है। जरा नोज दिखाओ अपनी, अब साफ है बहलूल की नोज। तो चलो अब तो चलिए चलते हैं, बहलूल को पहले डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो गाइस आप मेरे पैर की हालत देखिए, और थोड़ा इस पे जो है स्वेलिंग भी हुई है। सो अभी सोने का टाइम हुआ है, तो बाहर शायद बर्फ पड़ रही है, पता नहीं, अब सुबह देखेंगे क्या मसला है। अभी सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल।
The next day. So guys, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि शायद बर्फ हो रही है, ये शालीमार में इतनी बर्फ है और हमारे साइड से कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हो। तो अभी निकलते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, अभी देखते हैं क्योंकि आज रैली थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो देखते हैं अगर छोड़ेंगे रास्ते में तो जाते हैं, अगर नहीं तो फिर वापस ही आते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सो गाइस बर्फ़ आप देखिए अभी गाड़ी चलानी कितनी मुश्किल है यहाँ से, और बीच रास्ते में ये भाई रुक गए हैं, आई डोंट नो वाई, नहीं भाई चल गए। सो अभी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, अभी गाड़ी जो भी चलाए प्लीज केयरफुल रहें। भाई साहब आप देखो बर्फ कितनी पड़ रही है कसम से, और हमारा साइड तो अभी बंद ही होगा वहाँ पे, अगर यहाँ से इतनी बर्फ हो रही है तो हमारी साइड तकरीबन एक फुट बर्फ तो हुई होगी। आप देखिए ऐसी बर्फ में लोग जो है वो अपनी बाइक्स लेके निकलते हैं, स्कूटी लेके निकलते हैं। सो प्लीज़ ऐसे मौसम में आप अपनी जो बाइक्स हैं आपकी वो घर पे ही रखें, क्योंकि बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की जॉब है, स्लिपरी होता है। सो इसीलिए घर की तरफ जा रहा हूँ, और कसम से इतनी बर्फ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद देख लीजिए। सो आप देखिए बर्फ क्या हो रही है, और ये अभी करण नगर में है, और वैसे अभी तो मैंने मालूम किया है बर्फ़ जो है वो हर जगह सेम हो रही है, ऐसी बर्फ़ हमारे साइड से भी बस थोड़ी एक दो इंच इससे ज़्यादा होगी। आप बर्फ़ देखिए कितनी है कसम से, हेवी स्नोफॉल हुआ है। अरे भाई मुझे पेट्रोल डालने दो भाई, मुझे पेट्रोल डालना है भाई, तो पहले पेट्रोल डालते हैं उसके बाद घर को जाएंगे, यहाँ से डालेंगे पेट्रोल यहाँ पे। मैं यहाँ पे रुका था दादी के पास, मैं रील एक बनाऊँ, सो बना ली है और अब फिर से जाता हूँ वापस। अभी मैं पहुँचा हूँ एक जगह, वहाँ पे थोड़ा काम है, और अभी मैं फ़ोन से ये व्लॉग मैंने फ़ोन से बनाया क्योंकि मेरा जो गोप्रो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये डाउन हो चुका था, तो ये रहा, ये डाउन हो चुका था, सो इसीलिए मैंने गाड़ी में रखा है, अभी चार्ज है, फुल चार्ज है, तो अभी देखते हैं ऑन होता है कि सर्दी से जो है वो बैटरी ड्रेन होती है। हाँ अभी भी 79% है, तो ये व्लॉग मैं गोप्रो से बनाता, लेकिन इससे मैंने पहले ही जो है वो वीडियो फ़ोन से शूट किया था। सो इंशाल्लाह बर्फ़ पड़ चुकी है एक दो दिन में, जब कल जो है वो दिखा रहा है मौसम थोड़ा ठीक है, अभी दिन भर आज बर्फ़ है। सो मैंने सोचा है कि कल का व्लॉग हम गोप्रो से बनाएंगे, एंगल होता है गोप्रो का वो वाइड होता है, सो दैट्स वाई आई लाइक शूट व्लॉग्स विद गोप्रो। तो और हाँ मुझे बहुत सारे भाई बोलते हैं भाई शी फॉरम पे सिर्फ आप वीडियो बनाओ, मतलब मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं कदर करता हूँ आप लोगों की, आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग प्यार दे रहे हो, मैं उसकी कदर करता हूँ, और इंशाल्लाह जो आप लोग चाहते हो इंशाल्लाह वो वीडियोस भी बनाता हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे तो मैंने बहुत सारे जो है वो फार्मिंग रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, और डेली लाइफ व्लॉगिंग भी, जैसे मतलब इसके लिए कंटेंट होना चाहिए, मतलब जब मैं कोई एक्टिविटी फॉर्म पे करूँगा तो इंशाल्लाह उसके रिलेटेड जो है व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगा, तो जब कंटेंट मिलता है सोचता हूँ हाँ ये चीज़ मुझे आपको बतानी चाहिए, तो उस टाइम मैं व्लॉग बनाता हूँ, और अभी डेली लाइफ में जो होता है वो अपलोड करता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ भी पड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। सो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा, नेक्स्ट व्लॉग आप हम
जो हमारा कंटेंट होगा वो सबसे ज्यादा नेचर पे फोकस रहेगा, यानी कि कुदरत। हम नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको कश्मीर की सीनरी दिखाऊंगा, बर्फ में कितनी अच्छी रहती है, क्योंकि परसों जो है वो धूप दिखा रहा है और धूप में ये जो बर्फ है वो बहुत अच्छी मतलब नजारा मिलता है इससे हमारे साइड से, तो इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको भी। तो आज का व्लॉग बस यही पे खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करो भाई, अच्छे से रहो और सब्सक्राइब भी करो, और इस बर्फ में जो है वो अपनी बाइक्स लेके बाहर नहीं जाना क्योंकि स्लिपरी है बहुत। तो बाय।